सब्सक्राइब कीजिए सर्व साझा दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। एक गल नोट कर ले ओ कि एक सवाल है, वो केड़ी चीज है जो मिलती तो सानू मुफ्त विच है पर जे सानू उहदा सही इस्तेमाल ना करना होवे तो बहुत महंगी पै सकती है। केड़ी चीज़ है वो, जवाब दो। पता किसे नू मिलती मुफ्त विच है पर जे सानू उहदा सही इस्तेमाल करना ना आवे तो बहुत महंगी पै सकती है। एक सवाल तुहानू पुछिया सी, जवाब दस दीए। फिर ऐसी विचार करिए वो किहड़ी चीज़ है जो मिलती मुफ्त विच है पर अगर उसका सही इस्तेमाल सही उपयोग करना ना आवे तो वह बहुत महंगी पै सकती है। वह है साडे शब्द, साडी जुबान। शब्द मुफ्त जे निकलते अंदरों को पैसा नहीं लगता पर जो गलत शब्द साडी जुबान तो निकल जाए तो बहुत महंगे पै जाते हैं। कई बार गलत शब्द इन्ने महंगे पै जाते हैं कि गल लखां करोड़ां ते चली जाती है। नहीं तो किसी गलत शब्द बोल के देख लो फिर तुहानू पता लगना महंगा पै गया क्योंकि थाने जाना पिया, कोर्ट कचहरियां जाना पिया, डॉक्टर को जाना पिया। एक गलत शब्द बोलन ना झगड़ा हो गया, सिर फट गए, खून खराबा हो गया तो कितना महंगा पै गया कि शब्द समझ लो कि नहीं। इसलिए कुछ चीज़ा जिन्हों आप जुबान कहते हैं शब्द कहते हैं ये निकलते तो मुफ्त में है, मिलते तो मुफ्त में है पर जो इंसान यदा सही उपयोग ना करना आवे बंदे अपनी जुबान का। इसलिए एक गल कहे जुबान ये शब्दों से बहुत बड़ी ताकत है। अगर यदा सही उपयोग तुहानू करना आ जाए तो तुहाडी जिंदगी खुशियां नाल भर जाती है, तो अगर यदा सही उपयोग करना ना आवे तो तुहाडे जीवन च तकलीफां दुख परेशानियां बढ़ जांदियां है कि फिर उही मोहत दे शब्द जिहड़े है वह बहुत महंगे भी पै जांदे या नहीं। इन्हां सहमत हो या नहीं तुसीं, क्योंकि एक गलत शब्द बोलिया फिर वह कित्थे तक चला जांदा है। जदा ही दसिया गल थाने कोर्ट कचहरियां तक इत्थे तक के हॉस्पिटलों तक भी गल पहुँच जाती है। क्योंकि एक चीज़ तुसी आप सोचो कि जब भी कोई झगड़ा शुरू हुंदा है तो शुरुआत हुंदी कित्थों है? कोई सीधा डंडा चक के सिर च नहीं मारदा, कोई सीधा कुछ नहीं करदा, पहला शुरुआत हुंदी है शब्दों तो, जुबान तो। पहला छोटी छोटी गल हुंदी तेरी मेरी तू तू मैं हुंदी है, फिर गाली गलोच ते गल पहुँच जाती है, फिर गल गाली गलोच तो बाद होर अगे बढ़ जाती है, तो फिर जो क्रोध अपनी हद तो पार हो जाता है तो फिर गल कुट कटापे तक पहुँच जाती है, और जो उत्थे तक गल पहुँच जाती है तो फिर नुकसान भी हुंदा है। हुण जे देखा जाए शुरुआत कित्थों होई, जुबान तो, शब्दों तो। इसलिए जीवन के बहुत कुछ ऐसा है अगर पूरे जीवन में देखा जाए, यही तो सिर्फ शब्द की गल की, पर अगर पूरे जीवन में देखा जाए तो परमात्मा सानू मुफ्त में दिता है, एक उपहार है उसका दिता। हुण परमात्मा ने सानू ये जीवन रूपी उपहार दे दिता, अगे हुण साडे उपर है कि असी इस उपहार का उपयोग किदां करना है, इनू सही पासे लाना है या इनू बुरे पासे लाना है, इनू अपने वास्ते फायदेमंद बनाना है जो सानू आनंद नाल जोड़ देवे या इनू अपने वास्ते नुकसानदायक बनाना है कि आने वाला हर पल डरदियां चिंतावां दुखां परेशानियां च गुजरे, ये इंसान के हथ विच है। इसलिए जे ये शब्द प्रभु ने दिते है सानू, ये जुबान प्रभु ने दिती है, इहदा उपयोग करना सीखो, क्योंकि जिहनू इहदा उपयोग करना आ गया उहदे वास्ते जुबान खुशियां दे दरवाजे खोल दिंदी है, तो जिहनू इहदा उपयोग करना ना आया उहदे वास्ते ये जवान नरक दे तकलीफां दे दुखां दे द्वार खोल दिंदी है। तो जे तुसी अपने जीवन च खुशियां दे द्वार खोलने हैं, कामयाबी सफलता दे दरवाजे खोलने हैं, तो फिर अपने शब्दों दे ध्यान दो, क्योंकि इन्हां शब्दों का असर दूसरे इंसान दे जीवन ते भी हुंदा है, तो इन्हां शब्दों का असर इंसान दे अपने जीवन ते भी हुंदा है। और इत्थे ये गल कहनी चाहवांगे कि दूजे ते घट हुंदा अपने जीवन ते ज़्यादा हुंदा है, क्योंकि दूजे ना तो तुसी 10 मिनट बोलूंगे, 15 मिनट बोलूंगे, अद्धा घंटा बोल के वो अपने घर चला जाएगा, तुसी अपने घर, पर वो गलत बोले हुए शब्द तुहानू ज़्यादा परेशान करनगे क्योंकि वो तुहाडे उत्ते प्रभाव ज़्यादा पाणगे। क्योंकि किसी ने गलत बोलिया, तुसी गलत बोलिया, क्रोध आ गया वो तो चला गया, पर वो क्रोध तुहाडे नाल तुहाडे घर जा रहा है, और उही तुहाडे नाल क्रोध जिहड़ा घर जा रहा है उन्हां घर ते भी उहदा प्रभाव पाणा है, बच्चियां ते भी पाणा है, पत्नी ते भी पाणा है।
इसलिए अपने शब्दों नूं सोच समझ के उच्चारण करिए। जब भी बोलीए तो यह जरूर सोचिए इहदा मेरे जीवन से या दूजे के जीवन से की प्रभाव पएगा। इस करके एक गल हमेशा याद रखना कि बहुत लोग है दुनिया से जो सोचते बहुत है पर करते कुछ भी नहीं। बोलो समझते हो कि नहीं? सोच तो बहुत कुछ लेंदे है पर करते कुछ भी नहीं। और बहुत लोग है जो करते बहुत कुछ है पर सोचते नहीं है कि मैनू करना की चाहिए तो की नहीं करना चाहिए। इसलिए ये दो इंसान जेड़े है ना, एक ओह जेड़े करते तो है पर सोचते नहीं और एक ओह जो सोचते हैं पर करते नहीं, ये दो किस्म के इंसान जीवन च कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब किहड़े हुंदे है? जिहड़े पहला सोचते है फिर करते है। कि मैं जो करन जा रहा पहला मैं सोचा, क्योंकि तुम जरा गौर नाल देखो तुसी जीवन च अगर किसी मंजिल ते पहुंचना है तो पहला तुहानू सोचना पैंदा है, प्लैनिंग करनी पैंदी है, फिर तुसी उत्थे पहुंचदे हो। तो जे तुसी खुशियां नू प्राप्त करना है, कामयाबी नू प्राप्त करना है, तो उत्थे भी सानू पहला सोचना पैना है कि जो मैं बोल रहा हाँ, जो मैं कर रहा हाँ, ये चीज़ मैनू मेरी मंजिल के नेड़े लैके जाण वाली है जां मेरी मंजिल तो दूर लैके जाण वाली है। क्योंकि एक बार फिर कहांगे कि शब्दों का साडे जीवन पर बड़ा असर पैंदा है, क्योंकि समझ लो कि शब्द ही साडे जीवन का निर्माण करते। जिदा महात्मा बुद्ध ने कहा साडी सोच साडे जीवन का निर्माण करती है। इत्थे असीं कहना चाहांगे कि शब्द ही साडे जीवन का निर्माण करते हैं, क्योंकि जो इंसान दे शब्द हुंदे है वह सोच तो बनते हैं, तो जो शब्द हुंदे है उही साडे जीवन नूं बनांदे है जो जिंदगी असीं जीउंदे हां। किदां दी जिंदगी जीउणी चाहुंदे हो? खुशियां भरी, कामयाबी भरी? तो फिर अपनी सोच नूं अपने शब्दों नूं अच्छा बनाओ। तो जे तुसीं जीवन च दुख तकलीफां पीड़ा चाहुंदे हो तो फिर अपनी सोच माड़ी रखो, शब्द माड़े बोलो, तो जीवन च दुख परेशानियां अपने आप ही आई जाणगियां। हुण तुसीं जिद्दां दी सोच रखोगे, जिद्दां दे शब्द बोलोगे, उद्दां दे तुहाडे जीवन का निर्माण होना है जिहनूं तुसीं जी रहे हैं जां जीणा है। इसलिए जे तुसीं अच्छी जिंदगी जीनी चाहते हो तो अज तो फैसला करो मैं सोचना भी अच्छा है, बोलना भी अच्छा है, क्योंकि जो असीं सोच लैंदे हां, जो बोलते हाँ, वैसे ही साडा जीवन बनता चला जाता है और फिर वो जिंदगी असीं जीउंदे हां।